सिद्धार्थनगर जिले में अवैध शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस काले कारोबार को रोकने के लिए जिले की पुलिस आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है और भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब बरामद कर रही है। आपको बताते चले कि कच्ची शराब का कारोबार नदियों के तट पर स्थित गांव में ज्यादा होता है। यहां पर नदी के किनारे जमीन में दबा दिया जाता है और रात के अंधेरे में कच्ची शराब बनाने का कार्य होता है। पुलिस जिले में चल रहे अवैध शराब को काले कारोबार को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन यह कारोबार क्यों नहीं रुक रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं आज भी पुलिस ने मिसरौलिया थाना क्षेत्र में लगभग 10 कुंतल कच्ची शराब और शराब बनाने वाले उपकरणों के साथ साथ दो लोगों को पकड़ा है। जिले में इस तरह की कार्रवाई आम हो चुकी है। पुलिस और आबकारी विभाग आए दिन कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन इस कारोबार में शामिल लोग अपनी मनमानी कर कमाई का एक जरिया बना लिए हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी इस पर कार्रवाई अपनी सफलता मान रहे हैं, लेकिन इस पर रोक के लिए इनके पास कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। आइए देखते हैं SP सिद्धार्थनगर के विजय ढुल क्या कहते हैं। शराब के लेकर के जो अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, इस समय सिद्धार्थनगर काफी आगे है कच्ची शराब को लेकर, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, जनपद में जहाँ कहीं भी हमारे को ऐसी शिकायत प्राप्त होती है, कोई अभी सूचना या सूचना प्राप्त होती है कि कोई कच्ची शराब कहीं बना रहा है या इसके अलावा शराब का अवैध कोई कारोबार कर रहा है, उस पर तुरंत पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अब विगत कुछ दिनों में पुलिस के द्वारा कछार क्षेत्र में जो हमारी नदियां हैं जिले की, उनके जो फ्लड प्लेन्स हैं वहां पर कई जगह हमें सूचना मिली थी। उन सूचना पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जाके उन सबको नष्ट किया, लहन जो भी वहाँ मिला सामान, और कुछ व्यक्तियों को उसमें नामजद करके उनको गिरफ्तार भी किया। देखिए, ये अलग अलग मुकदमों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे को उपकरण मिले हैं, कच्ची शराब मिली है और जो लहन जो कि उसका रॉ मटेरियल होता है या इन प्रोसेस जो होता है वो भी काफ़ी क्विंटल संख्या में मात्रा में उसको नष्ट किया गया।